आप सभी गुरु भाई एवं गुरु बहनों को मेरा प्रणाम। मैं धीरज, मैं आप लोगों के बीच में आज फिर से साहब श्री के वाणी से नई शिव चर्चाएं लाया हूं। आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें ताकि आपके पास जितनी भी निगेटिव ऊर्जाएं हैं आपसे दूर हो सके। तो चलिए वीडियो को चलते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर पहली बार, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ साथ बेल आइकन को दबाकर वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि मैं जिस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में चर्चा करता हूं उसमें आप लोगों की भी साझेदारी हो। तो चलिए वीडियो को चलते हैं। आपने पूछा है कि नमः शिवाय करते हैं, शिव से दया मांगते हैं, तब भी मन में नकारात्मक विचार, निगेटिव थॉट्स आते हैं। वो तो मन की आदत है, वो तो चंचल है। अनावश्यक हम लोग कोरोना से डर गए। डरना तो इलाज नहीं है, डरना तो मुसीबत का रास्ते निकालने का तरीका नहीं है। हमको लड़ना होगा, हमको आगे बढ़ना होगा और भगवान शिव से दया मांगनी होगी। नमः शिवाय तो शब्द है, शब्दों का बहुत संबोधन का बहुत प्रभाव नहीं पड़ता। संबंधों में तो भाव का प्रभाव पड़ता है। आपने हमें नमः शिवाय किया, क्या हमारे आपके मन ने उस शिव को प्रणाम किया? प्रणाम का भाव आया? अगर प्रणाम का भाव आ रहा है, अगर शिव को प्रणाम करने की मन स्थिति बन रही है, तो नमः शिवाय बहुत जरूरी है। नमः शिवाय का सहारा लेके शिव को प्रणाम किया जाए, ठीक है, सहारा में काम करता है वो, लेकिन नमः शिवाय का सहारा शिव के को प्रणाम करने की भाव स्थिति में जाने के लिए लिया जाए। और अगर आप शिव भाव से, शिष्य भाव से, या जो कहिए भक्त के भाव से शिव को प्रणाम करते हैं, वो प्रणाम आपका परिणामदायी होगा, आपके मन को स्वच्छ रखेगा, स्थिर रखेगा, शांत रखेगा, उसको सकारात्मक दिशा देगा। शिव में तो निगेटिव ऊर्जाएं हैं ही नहीं, उनकी शक्तियों में भले हैं, लेकिन हमेशा जान लीजिए जहाँ निगेशन है वहाँ पॉजिटिव है, जहाँ पॉजिटिव है वहाँ निगेशन है। हर सृजन में संहार है, हर संहार में सृजन की कामना। नेक्स्ट। चांदनी गुरुवार पटना से कहती है कि प्रेम में इतने फासले क्यों होते हैं, प्रेम में पाबंदियां तो होंगी। प्रेम की आदत है कि ये दो सत्ताओं में पैदा होता है। प्रेम दो सत्ताओं में पैदा होता है, एक प्रेमी और एक प्रेम का पात्र। दो सत्ताओं में ये पैदा तो जरूर होता है, लेकिन दो सत्ताओं में रहना नहीं चाहता, ये दो सत्ताओं को एक करता है। कबीर की वो पंक्ति याद करिए, प्रेम गली अति साकरी नेरो, प्रेम गली अति साकरी जामे कुटुम न समाए। जामे क्या तो है, ऐसे कुछ दो ही न समाए, दुई न समाए, यानी दो से शुरू होता है, दो में रहता नहीं है ये, लेकिन जैसे दो से एक होगा ये, जैसे दो सत्ताओं में पनपा है प्यार और एक होगा ये, अब प्यार मरने लगेगा, अकेले रहता नहीं है, इसलिए फिर बिलगा होगा, फिर फासले होंगे, और फिर फासले होंगे, फिर प्रेम एक करेगा, फिर फासले होंगे, फिर प्रेम एक करेगा। शिव और शक्ति की यही व्याख्या आई है। वो भगवती शिव से इतना प्रेम करती हैं, लेकिन प्रेम जब करेंगी तो दोनों सत्ताएं एक होंगी, और जैसे दोनों सत्ताएं एक होंगी, अब प्रेम टूटेगा, प्रेम अकेले रहता ही नहीं है, दो मिल जाएगा, और ये हर पल चलता रहता है, ये विरह मिलन, विरह मिलन, विरह मिलन। तो प्रेम में तो फासले होंगे, पाबंदियाँ तो हमारे आपके जीव भाव के चलते हैं, हमारे अपने कर्म, अपने स्वकर्म हैं, हम लोग का अपना किया हुआ कर्मफल है जिससे पाबंदियाँ भी लगती हैं और छूट भी मिलती है। जी भाई आलोक जी कटिहार से हैं कि इतनी कठिनाइयों के बाद भी मैं जगत को ही क्यों चाहता हूँ, शिव मंत्र भारी क्यों नहीं है? है क्या कि वो शिव जीव भाव में, जगत के भाव में हमारे आपके रूप में दिख रहा है? वही शिव जब जीव भाव में आता है, सृष्टि की इच्छा करता है, तो जगत और जीव सृष्ट होता है। तो जीव भाव की कामना से हमारा हम आप सृष्टि है, मनुष्य सृष्टि है, बनाई है, तो जीव भाव तो रहेगा ही रहेगा, वो तो बाई बर्थ है, प्रेम भी बाई बर्थ है, लेकिन जगत से जीव भाव रहेगा ही रहेगा। और जब जीव भाव रहेगा तो सोच में भी जगत होगा,
यहाँ शिव भाव को लाना पड़ता है। आप गुरु के सानिध्य से लाइए, गुरु कृपा से लाइए, गुरु की दया से लाइए, लेकिन यहाँ शिव भाव लाना पड़ता है। उसके सीड हमारे आपके बीच हैं, हमारे आपके प्राण में हैं, हमारी आपकी मिल आए हुए हैं, बने हुए हैं, लेकिन उस सीड को अंकुरित कराना होगा, पल्लवित कराना होगा, पुष्पित कराना होगा, इस तरह से चलना होगा। करिए, शिव को प्रणाम करिए, लगन से करिए, मन से करिए, और सबसे बड़ी बात है भाव से करिए। धीरे धीरे कुंठाएं और अन्य चीजें खत्म होने लगेंगी, आपका मन शांत होगा। जी, ओम जी, विराट नगर नेपाल से हैं। कैसे हो पाएगा प्रथम और तृतीय शुक्र जबकि सुबह से लेकर रात तक रक्त बीज की तरह कोरोना जल जकर के रखा हुआ है। ओम जी नेपाल, नेपाल के गुरु भाई भी लगता है कि देख रहे हैं भाई, नेपाल के भी सारे गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम है जी। पूरी दुनिया में विदेशों से भी तो, काफी लोग अभी जुड़े हुए हैं भैया, मेरा सबको प्रणाम है, मैं नत हूँ सबके सामने। क्या सवाल था जी? ये कैसे हो पाएगा प्रथम और, हाँ समझ गया मैं, हाँ शिव शिष्यता के तीन सूत्र सबको मालूम, और ये तीन सूत्र कुछ नहीं है, तीन काम हैं। वो काम इसलिए हैं कि हमारा मन शिव को भूल नहीं जाए। मन किसी को भूलता है तो संबंध टूटते हैं। मन में आपका कोई संबंध खत्म होने लगे, भूलने लगे आप, तो संबंध सोने लगेगा, आपकी परवाह कम होने लगेगी। तो शिव के साथ भी यही है, वो आपके गुरु हैं, उनके साथ भी यही है। मन भूलेगा तो शिव से आपका सानिध्य कमेगा, संबंध कमज़ोर होगा। और मन इस बात को केवल नहीं भूले, इसको बोलते हैं संकल्प दीक्षा। आपने मन से संकल्प लिया है कि शिव मेरे गुरु हैं, तो ये हमेशा आपको स्मरण रहना चाहिए। इसी के लिए तीन सूत्र दिए गए। दूसरा सूत्र जो दूसरों के साथ शिव चर्चा करना है, दूसरों को भी स्मरण कराना है, दूसरों को भी प्रेरित करना है, और अपने भी शिव की ओर बढ़ना है। दूसरा सूत्र अभी के परिवेश में संभव नहीं है, हम आप घर से निकल नहीं रहे, निकलना सुरक्षित नहीं है। हम लोग कह रहे हैं कि आप घरों में रहें, सुरक्षित रहें। अरे जिंदगी रहेगी तभी ना शिव हमारे आपके लिए, शिव तो रहेंगे लेकिन हमारे आपके लिए तो नहीं रहेंगे। अब मरने के बाद क्या होता है ये तो मुझको मालूम नहीं, तो जिंदगी रहेगी तभी तो। प्रधानमंत्री जी ने कहा ना, जान है तो जहां, तो दूसरा सूत्र तो संभव नहीं है। और मेरी जीवनी को आप देखें, मैंने 1974 में शिव को गुरु माना था, आरा के गांगी शमशान में। 8 वर्षों तक मैंने किसी से नहीं कहा कि मैंने शिव को अपना गुरु बनाया, यही कोई चर्चा नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई। लेकिन एक संकल्प था, एक निश्चय था, वो भी दृढ़ निश्चय था कि मैंने शिव को गुरु माना है, अब उन्हीं को गुरु मानूंगा, जो होगा सो देखा जाएगा। अगर आप दृढ़ निश्चय पर खड़े हैं, शिव आपके गुरु हैं, शिव का आपको संबल मिला हुआ, शिव का संबल तो सबको मिला हुआ है, हम ही लोग छोड़ दें।